नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के वक्त दोस्तों बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सारे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे देश में एग्जाम फॉर्म्स भरे जाते हैं, वो किसी भी स्टेट के हों, सेंट्रल के हों, जब फॉर्म अपलोडिंग का समय होता है, तो वहां पर एक जो एस्पिरेंट होता है उसे कुछ, ये आप सामने देख पा रहे होंगे, फोटोज, सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस और राइटिंग कंटेंट जो है अपलोड करना होता है। और हमेशा जो समस्या आती है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को, वो समस्या होती है साइज कम करने की। और ऐसे में होता क्या है, हम दूसरी दुकान पर जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा समय हमारा लगता है, हमें खड़े रहना पड़ता है और हमें उन पर डिपेंडेंट निर्भर होना पड़ता है। अब आप इजीली अपने डेस्कटॉप पर, अपने पीसी पर जो है, घर पर ही इसकी साइज को जो है इजीली चेंज कर सकते हैं। जिस भी डायमेंशंस में, हाइट और विड्थ में आपके फोटोज़ और सिग्नेचर्स मांगे जाते हैं, पर्टिकुलर संबंधित जो फॉर्म भरवा रहे हैं उनके द्वारा, आप उसे उस साइज में चेंज कर सकते हैं। मैं आज आपको एक या दो एग्जांपल देकर दिखाता हूं, इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा फोटो है, आप फोटो देख रहे हैं, इस पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ओपन विद, और हमें ओपन करना है ये सिंपल सा जो दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, सभी के डेस्कटॉप में जब एमएस ऑफिस आता है तो वहीं से सिंपली ये भी डाल दिया जाता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फोटो ओपन हो गया है। और फोटो ओपन होने के बाद जो है, ये आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। आप इसका साइज छोटा कैसे करेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको। जाना है दोस्तों ये एडिट पिक्चर पर, ये एडिट पिक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे। एडिट पिक्चर के बाद पहले हम चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये हमने यहाँ से क्रॉप बटन क्लिक किया और अब हम इसे जो है ये यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। आप इसको एक पासपोर्ट साइज फोटो मानकर चलिए, और अगर आपके फोटो को क्रॉपिंग की जरूरत नहीं है तो आप नहीं कीजिएगा। ये मैंने क्रॉप करके ओके कर लिया है, ये दोस्तों यहाँ पर क्रॉप हो गया है। अभी मैं करंट आपको साइज दिखा देता हूँ, इसका साइज है 814 KB, 814 KB आप देख सकते हैं। और इसका जो लेंथ और ब्रेथ जो है ये बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में है। इसे हमें मान लीजिए दोस्तों 100 KB से कम करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो जब अपलोड किया जाता है, आपने देखा होगा, चाहे बैंक हो, SSC हो, कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, उसमें 100 KB से छोटा फोटो मांगा जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ जाना है रीसाइज पर। आप रीसाइज पर आ जाएंगे, रीसाइज पर जाने के बाद आपको जाना है कस्टम विड्थ एंड हाइट पर। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे कस्टम विड्थ एंड हाइट पर। आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 400, ये हो गई 400 विड्थ, और यहाँ लिख देंगे 300, ये आपने कस्टम आपने चेंज कर दिया, और यहाँ से आप कर देंगे ओके। ये ओके कर दिया है, देखिए दोस्तों इस फोटो का साइज छोटा हो गया है। अब आपको यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे, अभी आप, मैं आपको नया साइज दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका नया साइज हो गया है 87.7 KB। और मैं आपको यहाँ से भी प्रॉपर्टीज में जाके दिखा देता हूँ। हम यहाँ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, आप नीचे भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये फोटो पर ये लिखा आ रहा है, यहाँ देखिए साइज 87.7 KB, ये इसके नए डायमेंशंस कर दिए हैं। अब यह फोटो आपके किसी भी वेबसाइट पर इजीली अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये राइटिंग कंटेंट है, आजकल लिखाया जाता है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ, दे रही हूँ, वह मेरे द्वारा पूरी तरीके से सही है, इस तरीके से ये कंटेंट लिखा होता है। अब ये भी 38.5 KB में है, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसे भी हमें चेंज करना है। तो हम जाएंगे एडिट पिक्चर पर, एडिट पिक्चर पर जाने के बाद हम करेंगे इसको रीसाइज, रीसाइज के बाद जाएंगे हम कस्टम विड्थ हाइट पर, और हम यहाँ कस्टम पर कर देंगे 400 × 400। यहाँ से हम ओके कर देंगे, ये ओके हो गया है, हम यहाँ सेव कर देंगे इसको, ये सेव हो गया है। अब आप इसका साइज देख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसका साइज हो गया है 11.2 KB। मैं यहाँ पर क्लिक करके, आप देखिए यहाँ, ये आपको माउस कर्सर दिख रहा होगा, 11.2 KB आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हैं, जो कि इसका साइज हो गया है। तो दोस्तों ये इजीली तरीका था, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। आपको फोटो पर राइट क्लिक करके जो इस जिस भी ऑप्शन में इसे ओपन करना है, वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। यहाँ आप ओपन करेंगे,
क्योंकि ये फोटो मेरा पासपोर्ट साइज में ही है, 40.49 KB का साइज है, 400x400 इसके डायमेंशन पिक्सल्स हैं। यहाँ पर एडिट पिक्चर पर जाएंगे, रीसाइज पर जाएंगे और यहाँ से कस्टम पे जाने के बाद इजीली आप अपने फोटोज़ को, सिग्नेचर्स को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं और इजीली दोस्तों इसको आप जो है अपने फॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये छोटा सा वीडियो मैंने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जो नॉन टेक्निकल हैं, जो ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, अब इजीली वो इसको देखकर कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और किस तरीके के वीडियोज़ आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। Thank you.